उसने पैर छुए और गोली मार दी, इसने माथा टेका और संविधान जला दिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इस सरकार जो कि सावरकर और गोडसे को पूछते हैं, आज एक मैंने हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ उनकी तरफ से ये एक और कदम है। आज मैंने एक किसी ने मुझे पोस्टर फॉरवर्ड किया, लिखा था उसने पैर छुए और गोली मार दी, इसने माथा टेका और संविधान जला दिया। अब आप जानते हैं किसने पैर छूकर गोली मारी और किसने माथा टेक कर संविधान जला दिया। ये जो कानून लाया गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो शरणार्थी सिर्फ तीन देशों के, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीन देशों से कोई धार्मिक शरणार्थी अगर हिंदुस्तान दिसंबर 2014 के पहले आए हैं और अगर वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं और जो इनर लाइन परमिट के क्षेत्र हैं, अगर उनके बाहर रहते हैं तो उनको भारत सरकार राष्ट्रीयता दे सकती है, ये कानून में कहा गया। अब देखिए कितने आधार पर ये कानून गैर संवैधानिक, डिस्क्रिमिनेटरी, आर्बिट्ररी है। पहली बात तो इसमें लिखा है कि सिर्फ वो शरणार्थी जो कि हिंदू या पारसी या पांच छह धर्म के नाम लिखे हैं, उसमें मुस्लिम नहीं लिखा, उसमें कुछ और धर्म नहीं लिखे, मेन तो मुस्लिम नहीं लिखा, और उसमें जो नास्तिक हैं, जो कोई धर्म के नहीं हैं, उनका नाम भी नहीं लिखा, वो भी नहीं लिखा। फिर इन्होंने लिखा कि सिर्फ तीन देश, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उसमें श्रीलंका जहां से बहुत सारे शरणार्थी आए हैं, म्यांमार जहां से बहुत सारे शरणार्थी हिंदुस्तान आए हैं, तिब्बत से भी बहुत आए हैं, वो देश का कोई जिक्र नहीं किया और बोला है कि 2014 से दिसंबर 2014 के पहले जो आ गए और इनर लाइन परमिट के जो क्षेत्र हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और आदिवासी क्षेत्र जो हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया। तो ये कम से कम पांच तरह से गैर संवैधानिक है। हमारा संविधान ये कैसा कहता है कि किसी भी धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता, वो भारत का नागरिक हो चाहे ना हो। धारा 14 आर्टिकल 14 जो हमारे संविधान का है वो कहता है किसी भी जने के खिलाफ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो इस देश का नागरिक हो चाहे ना हो। और कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, जो आर्बिट्ररी तरीके से ये तय करता है कि हम सिर्फ इन तीन देश के शरणार्थियों को यहाँ शरण देंगे या उनको नागरिकता देंगे, जो ये कहता है कि हम इनर लाइन परमिट और आदिवासी क्षेत्र को आर्बिट्ररी तरीके से इसके बाहर कर देंगे, और जो ये कहता है कि दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आ गए उनको देंगे, उसके बाद जो आए उनको नहीं देंगे, इसका क्या आधार है? देखिए इसका आधार संवैधानिक तो कोई है नहीं, तार्किक तो कोई है नहीं, इसका आधार
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में छुपा हुआ है। अब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में क्या हुआ, पहले इन्होंने आसाम में बनाया जिसमें कहते हैं कि जो भारत के नागरिक हैं उनका नाम हम इस रजिस्टर में लिखेंगे, जो नहीं है उनका नहीं लिखेंगे, और सबसे बोला कि तुम लोग अप्लाई करो और तुम लोग अपनी एप्लीकेशन के साथ दस्तावेज दो, बर्थ सर्टिफिकेट दो या जो तुमने जमीन खरीदी हुई है उसके कोई दस्तावेज दो या अपने स्कूल के दस्तावेज दो। अब पहली बात तो यही गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है कि किसी जने से आप ये बोलें कि तुम अपनी नागरिकता सिद्ध करो। अरे अगर सरकार को या किसी को कोई शक है हमारी नागरिकता के ऊपर तो वो आपत्ति उठाकर वो सिद्ध करे कि हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं। जब किसी के खिलाफ कोई अपराध साबित करना होता है तो ये नहीं कहा जाता कि तुम अपने आप को बेकसूर सिद्ध करो, ये कहा जाता है कि सरकार या पुलिस उसको कसूरवार सिद्ध करे, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको सिद्ध करे। यहाँ तो आप ये कह रहे हैं कि तुम अपनी नागरिकता सिद्ध करो और अगर नहीं कर पाए तो तुमको हम डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे, तुमको कैद करके डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। इससे बड़ी सजा किसी के लिए क्या हो सकती है? और इसमें सरकार को सिद्ध करने के बजाय आपसे कहा जा रहा है कि तुम सिद्ध करो कि तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो, और इस तरह से सिद्ध करो कि इस तरह के कुछ 4-6-8 दस्तावेज लेकर आओ, और उसमें भी अगर एक जगह आपके नाम की स्पेलिंग फर्क है दूसरी जगह फर्क है तो दोनों डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले ये बात कही थी कि आप किसी से नागरिकता सिद्ध करने के लिए ये नहीं कह सकते कि तुम ये चंद दस्तावेज पेश करो, कोई भी एविडेंस। अगर वो हलफनामा देता है कि मैं यहाँ पर इस स्थान पे पिछले 50 साल से रह रहा हूँ और अपने कुछ पड़ोसियों का भी हलफनामा देता है तो उसको मान लिया जाएगा, जब तक कि कोई ये ना कह दे कि भाई ये तुमने झूठ बोला है अपने हलफनामे में। उसके बाद अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद कहा जाता है कि तुम फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जाओ, वहाँ पर अपनी नागरिकता सिद्ध करो। और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जो इन्होंने आसाम में बनाए हैं उसमें ऐसे लोगों को बैठा दिया है, पहली बात तो सारे सरकारी जिनको कोई जज का एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों को वहाँ बैठा दिया, और फिर उन लोगों को ये बोला गया है कि तुम जितने ज़्यादा लोगों को गैर नागरिक ठहराओगे उतना ही तुमको एक्सटेंशन दिया जाएगा, एक एक साल के लिए उनको पोस्ट किया जाता है और एक्सटेंशन इस आधार पर दिया जाता है। और फिर कहा जाता है कि अगर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने आपको कह दिया कि नहीं आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं, चाहे ये ना बताएं कि आप कहाँ के नागरिक हैं। देखिए ये लोग जिनको नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में नहीं रखा गया है या जिसको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल कह देता है कि तुम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हो, उनको ये नहीं बताया जाता कि कहाँ के नागरिक हो, यानी कि उनको स्टेटलेस ठहरा दिया जाता है कि किसी भी देश के नागरिक नहीं है, और उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है। ये बिल्कुल पूरा काम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का बिल्कुल अमानवीय तरीके से, गैर कानूनी गैर संवैधानिक तरीके से चल रहा है। अब इनके लिए दिक्कत ये हुई कि आसाम में जो बना रजिस्टर उसमें 19 लाख लोग उसके बाहर आ गए, और उन 19 लाख में से अधिकतर गैर मुस्लिम हैं। ये सरकार तो ये चाहती थी कि सिर्फ मुस्लिम लोग उस रजिस्टर के बाहर रहें, लेकिन ज़्यादातर जो बाहर उसके आए वो हिंदू या दूसरे धर्म के लोग थे, मुसलमान नहीं थे। तब इन्होंने ये बोला कि अच्छा हम ये कानून लाएंगे
जिसमें जितने गैर मुस्लिम लोग हैं उनको हम शरणार्थी मानकर हिंदुस्तान का नागरिक बना देंगे। इसलिए ये कानून लाया गया कि मुसलमानों को हम छोड़ देंगे, बाकी लोगों को ले आएंगे। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हिंदू मुस्लिम के आधार पर वो लोग नहीं कह रहे थे, वो लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग ये कह रहे थे कि भाई हमारे राज्यों में, आसाम के लोग ये कह रहे थे कि हमारे राज्य में आसाम के बाहर के लोग बहुत सारे आकर आ गए हैं, जिससे कि हमारी आइडेंटिटी खतरे में हो गई है। उन लोगों को शांत करने के लिए इन लोगों ने ये फिर सोचा कि अच्छा हम नॉर्थ ईस्ट के जो इनर लाइन परमिट के एरियाज हैं उनको इसमें से निकाल दें, जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनको इसमें से निकाल दें। इसलिए ये सब किया गया, मतलब सब तोड़ मरोड़ के हर चीज आर्बिट्ररी। पहले तो उसमें मुसलमानों को बाहर रखना आर्बिट्ररी, उसके बाद उसमें ये कह देना कि जो सिर्फ इन तीन देशों से आए हैं बाकी देशों को बाहर रखना, ये आर्बिट्ररी। फिर ये कह देना कि इनर लाइन परमिट के एरियाज या आदिवासी एरिया को बाहर रखा जाएगा, ये आर्बिट्ररी। फिर उसके बाद दिसंबर 2014 की डेट लगा देना, ये आर्बिट्ररी। ये सब इसलिए किया गया कि भाई हम एक षड्यंत्र के साथ किसी तरह से ये कर दें कि मुसलमानों को बाहर कर दिया जाए और बाकी लोगों को अंदर कर दिया जाए। तो देखिए अब इस देश में जुल्म और अन्याय का घड़ा पूरा भर गया है। इस सरकार का जुल्म और अन्याय का घड़ा पूरा भर गया है। और जब कोई जुल्म और अन्याय का घड़ा पूरा भर जाता है तो देश में फिर एक ऐसा तूफान आता है जो आज जिस तूफान की शुरुआत आज हमको पूरे देश में दिख रही है। अगर आप देखें, और वो तूफान जो सत्ता में तख्त पर बैठे हैं उनको उखाड़ फेंकता है, और वो तूफान की शुरुआत आज हो चुकी है। जैसे सईदा जी ने बोला, इस कानून के खिलाफ हमको सत्याग्रह करना चाहिए, नॉन कोऑपरेशन करना चाहिए। गांधी जी ने हम लोगों को सबको सिखाया था, जब बहुत ही कोई अन्यायपूर्ण कानून हो तो उस कानून का पालन ना करना हर नागरिक का सिर्फ अधिकार ही नहीं, हर नागरिक का दायित्व है। और वो समय आ गया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे जैन हो, पारसी, सब लोगों को इस कानून का बहिष्कार करना चाहिए, सिविल डिसोबीडियंस करना चाहिए, सत्याग्रह करना चाहिए, नॉन कोऑपरेशन करना चाहिए, और सबको बोलना चाहिए कि हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में अपना नाम दर्ज नहीं कराएंगे। आपको जो करना हो, जो हिम्मत हो, आप कर लीजिए। आपको सब इस देश के सब नागरिकों को डिटेंशन सेंटर में बंद करना हो, आपको अगर इतना दम है तो कर दिखा दीजिए। और जिस दिन इस नॉन कोऑपरेशन की आग, इस सत्याग्रह की आग भड़क उठती है देश में, तो जैसे मैंने बोला, इस देश में भूचाल आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। हिंसा का तूफान नहीं आना चाहिए, अहिंसक तरीके से इस देश में एक बड़ा तूफान आना चाहिए जो इन सत्ताधारियों को उखाड़ कर फेंक दे। यही मेरी उम्मीद है और यही मेरी आशा है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।
अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।